हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 6, पार्ट 4। व्हीटस्टोन ब्रिज, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हैं व्हीटस्टोन। उन्होंने एक नियम दिया जिसमें 4 रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग होती है और जिसमें हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो जो भी नियम दिया वो है क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी हम कह सकते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, या वी कैन आल्सो सेज इट इज द ग्रुपिंग ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन विच वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे का हम ग्रुपिंग करते हैं। ये तो 4 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेललोग्राम के आर एफ पर हमने कंसीडर किए हैं। यानी ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम के आर्म्स पर हमने 4 रेजिस्टेंस कंसीडर किए, पी क्यू आर एस। इन चारों में से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं विद दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस पैरेललोग्राम के किसी एक डायगोनल के अक्रॉस हम एक बैटरी कंसीडर करते हैं या कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज और इससे एक हमने की कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम K1 सपोज किए हैं, बैटरी की या सेल की हम कह सकते हैं। इस पैरेललोग्राम के दूसरे डायगोनल BD से एक गैल्वेनोमीटर का हम कनेक्ट कर देते हैं G, और उससे रिलेटेड एक की कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम KG मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर की। सबसे पहले इसको हम प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो यहां से करंट स्टार्ट हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर के झटके को स्प्रे करते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं तो क्या करता है, यह गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट को मीजर करता है। तो चलिए, यहां से करंट जब फ्लो होगा, आई करंट यहां पहुंचेगा। इसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो ये, एक तो ये। इसको हम I1 कहेंगे करंट, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें I2 कहेंगे। क्लियर। इस पॉइंट से आप देखें यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं, ये लूप बन रहा है, इधर भी लूप बन रहा है। अभी हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ अर्थात KVL रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चले, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे वोल्टेज क्या है, ये हायर वोल्टेज से कनेक्टेड इसको हम V सपोज किए हैं और माइनस लोअर वोल्टेज इसको हम 0 सपोज कर लेते हैं। यानी ये टर्मिनल आपका 0 वोल्टेज कंसिडर है और ये वाला V। यहां से यहां तक हम जाएंगे क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जब जा रहे होते हैं वोल्टेज का ड्रॉपिंग आता है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, अर्थात V माइनस ड्रॉप, यानी वोल्टेज में कमी होगा और कितने का ड्रॉप होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, अर्थात इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उतने की कमी होगी, इसमें ड्रॉपिंग होगी, हम सब माइनस कर देते हैं। और वैसे उन्होंने रूल बताया है, KVL रूल अगर आप पढ़े होंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आप हमने रूल बताया है जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है और उस करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं, हमारे जो ट्रैवर्सिंग का डायरेक्शन होता है करंट के डायरेक्शन में होता है, तो जो भी हम कंसीडर करते हैं वोल्टेज वो क्या होता है, ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करते हैं, वोल्टेज में कमी, तो उसको हम माइनस में, यानी आई और आर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसे हम क्या सपोज करते हैं, माइनस में। आई वन
इनटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे टी, तो यहाँ पे वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा वी बी, यानी यहाँ वोल्टेज वी बी हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जब यहां से चलेंगे यहां पे आएंगे तो यहां पे वोल्टेज वी डी हम सपोज करेंगे, और यहां क्या हो सकता है वी वी से चल रहे हैं, क्योंकि यहां से करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, और कितने का ड्रॉप आएगा माइनस आई टू आर और इक्वल टू कितना हो जाएगा वी डी। इस प्रकार से ये वोल्टेज वी बी और ये वोल्टेज वी डी, अब यहां से करंट जाएगा यहां पहुंचेगा इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे जब पहुंचेगा तो करंट इसमें फ्लो होगा, इसमें फ्लो होगा, इसमें जो जाने वाला करंट होगा वो किससे मेजर होगा गैल्वेनोमीटर से, इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। यहां से जाएगा करंट दो रास्ते हैं, यहां पर भी इधर भी, अब बात यह है करंट यहां से भी जा सकता है यहां से भी आ सकता है, तो कब आ सकता है वी बी और वी डी, जो वोल्टेज वी बी है और जो वोल्टेज वी डी है इसमें जो ग्रेटर वोल्टेज होगा यानी जो भी वोल्टेज ज्यादा होगा वहीं से करंट फ्लो होगा। मान लीजिए अगर वी बी बड़ा है तो करंट का डायरेक्शन हम ऐसा कंसीडर किए करेंगे, और वी डी यदि बड़ा है तो करंट का डायरेक्शन हम वी बी की ओर अर्थात लोअर वोल्टेज की ओर। आप जानते हैं करंट का हायर टू लोअर फ्लो होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है हायर टू लोअर वोल्टेज, अगर वी बी हम हायर कंसीडर करते हैं तो करंट का डायरेक्शन लोअर वोल्टेज की तरफ होगा, अगर हम वी डी को हायर वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो करंट का डायरेक्शन हायर टू लोअर अर्थात इधर की तरफ होगा। क्लियर? तो फिलहाल इस समय जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं वी बी ग्रेटर वोल्टेज। यहां देखिए ये भी है, ये जो टर्म है ये कंफर्म कर रहा है कि कौन वोल्टेज ज्यादा होगा और कौन कम होगा, आई वन पी और इसमें आई टू आर, तो इसको हम इसमें मान के चल रहे हैं कि वी बी ग्रेटर देन वी डी। तो अब हम लूप में चलेंगे, अर्थात यहां से अगर करंट फ्लो हो रहा है यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये आई वन है तो यहां पे करंट आई जी सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं आई जी, ध्यान दीजिएगा I1, I2। अच्छा ये बताइए इसमें कितना करंट फ्लो होगा इस Q रेजिस्टेंस में, अगर ये I1 करंट यहाँ पे जा रहा है और G में IG करंट जा रहा है तो KCL रूल आप जानते होंगे किरचॉफ करंट लॉ जंक्शन रूल, तो इस जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, इस जंक्शन पे आने वाली करंट, चलिए यहाँ I1 करंट आ रही है जा रही है आई जी, ये क्या हो जाएगा यहां से, अच्छा तो हो जाएगा आई माइनस आई जी करंट, ध्यान दीजिएगा आई वन माइनस आई जी करंट इसमें जा रही है, आप देखेंगे इस जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, आने वाली करंट आई वन है और जाने वाली करंट यहां से जंक्शन से यहां जा रही इधर जा रही निकल रही है, इट मीन्स इसको अगर एड कर देंगे आई जी आई वन माइनस आई जी आई जी आई जी कैंसिल अर्थात आई वन बराबर आई वन, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, कंफर्म ओके। उसी प्रकार हम यहां पे आते हैं, यहां से आई टू करंट आ रही है तो अब इधर से कौन सी करंट आ रही है आई जी करंट आ रही है, इस जंक्शन पे आने वाली करंट कितनी है आई टू और आई जी, यानी आने वाली करंट हम ऐड कर देंगे आई टू प्लस आई जी, तो इसमें कितना हो जाएगा यही तो होगा जाने वाला करंट आई टू प्लस आई जी। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं यहां से हायर वोल्टेज जो भी करंट यहां से आपका जा रहा है यहां से होते होते हुए यहां से जो करंट जाएगा वो क्या होगा वह आई ही तो होगा, कंजर्वेशन ऑफ लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ केसीएल रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी आने वाली करंट और जाने वाली करंट, यहां से करंट प्लस से आई है तो यहां से जो इंटर करेगी वो कितना करंट होगा आई ही होगा, यानी इन सब ब्रांचेस में करंट
डिवीजन हो करके बट करके लास्ट टाइम वो कितना होकर जाएगा, आई ही करंट जाएगा। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए इस प्रकार से हमने करंट का डिवीजन कर दिया। अब हम अप्लाई करेंगे केवीएल रूल। केवीएल रूल अप्लाई करने से पहले एक बार थोड़ा सा और हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमने केसीएल रूल लगा के करंट का डिवीजन किया है। सबसे पहले करंट यहाँ से आई निकला, इस जंक्शन पे पहुंचा, दो भागों में बट गया आई वन और आई टू ग्रुप में। चलिए ठीक है, यहाँ से करंट जब इस जंक्शन पहुंचा तो उसका एक पार्ट आई जी इसमें चला गया और दूसरा पार्ट इसमें जाएगा। उसको हम कितना मानेंगे, इसमें इसमें आई जी हमने अगर मान लिया तो इसमें कितना मानेंगे, तो इसी का रिमेनिंग पार्ट यानी आई वन माइनस आई जी, आई वन में से आई जी घटाएंगे ये हो जाएगा। चलिए यहाँ तक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आई टू करंट आ रहा है और ऊपर से इस जंक्शन पे आई जी करंट आ रहा है और दोनों आके ऐड हो जाएंगे और वही इसमें फ्लो होंगे इस वाले रेजिस्टेंस में आई टू प्लस आई जी ग्रुप में। और फिर आप देखेंगे इधर से ये करंट आ रही है, इधर से ये करंट आ रही है, इस जंक्शन पे मिलके कितना हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, चलिए जोड़ के देख लेते हैं, आई वन प्लस आई वन माइनस आई जी है और इधर से क्या है प्लस आई टू प्लस आई जी, आई जी आई जी तो कैंसिल, बचा क्या आई वन प्लस आई टू और आई वन प्लस आई टू भी तो क्या है आई है। इस प्रकार से निकलने वाला करंट आपका इस करंट के सेम है। तो कंफर्म, अब हम केवीएल रूल अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमने क्या बताया, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर एच, आप लिख देते हैं बीट स्टोन ब्रिज, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस in which या इसको लिख सकते हैं फोर रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर्स इन इन टर्म्स ऑफ remaining three resistance। आप ध्यान से देखेंगे हमने क्या लिखा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस, ये फोर रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है विच इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, जिसमें हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री रेजिस्टेंस, यानी जो बचे हुए तीन रेजिस्टेंस है उसी के टर्म में हम इसको फाइंड करेंगे। इस प्रकार से ये तो रिगार्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज के रिगार्डिंग ये आपका डेफिनेशन है। केसीएल रूल से करंट का डिवीजन हमने बता दिया। अब चलेंगे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे केवीएल रूल। चलिए तो हम चलेंगे ए से लेके, इस पॉइंट को हमने माना है ए, ए बी डी और ए, हमारा जो ट्रावर्सिंग का डायरेक्शन है कुछ ऐसा है, अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी डी और ए। केवीएल रूल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा चलने का जो डायरेक्शन है ए से बी, बी से डी, डी से ए। चलिए
जब यहां से चलेंगे इस पे तो वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है, और कितने का ड्रॉप आ रहा है, आई वन पी, और ड्रॉप यानी माइनस में, आई वन पी यहां पहुंचे। बी से डी पे आएंगे, बी से डी की तरफ जाएंगे, करंट के डायरेक्शन जब हम चल रहे होते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप आता है, और उस समय जो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हम करते हैं वो हम माइनस में सपोज करते हैं। आप देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, उसी का डायरेक्शन हम चलेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो गैलोमीटर आपका यूज किया गया है, जिसमें हम जिसकी सहायता से हम करंट को मेजर करेंगे, वो गैलोमीटर इस ब्रांच में रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। इट मीन्स IZ और रेजिस्टेंस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी ड्रॉप आ रहा है, IZ इंटू जी, पहुंच गए यहां तक। यहां से हमें फिर कहां जाना है, डी की तरफ, और करंट आ रही है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन जब हम जाते हैं तो वोल्टेज में अधिकता ड्रॉप नहीं, अर्थात हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई I2 इंटू आर, इक्वेशन नंबर वन। ओके, इसी प्रकार जस्ट लाइक सेम अप्लाइंग केवीएल रूल इन लूप बी सी डी बी, अप्लाइंग केवीएल इन लूप बी सी डी फिर बी, क्या देखेंगे, जब हम बी से सी की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज में ड्रॉप आएगा, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो आई वन माइनस आई जी, ये तो करंट है, और उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस क्या है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे क्यू, और चूंकि हम जा रहे हैं उसके डायरेक्शन में तो माइनस कंसिडर करेंगे। ओके, फिर आएंगे यहां से बी से सी, सी से डी जाएंगे, करंट जा रहा है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और करंट कितना है, आई टू प्लस आई जी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यस से। फिर डी से बी तक जाएंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, आई जी इंटू गैलोनोमीटर एज ए रेजिस्टेंस, आई जी इक्वल टू कितना होना चाहिए, आप जानते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो, इक्वेशन नंबर वन, और यहां से इक्वेशन नंबर टू, क्लियर, ये चीज आप अच्छे तरीके से जानते रहिए। अब ध्यान से देखेंगे, हमें जो भी रूल यहां पर निकालना है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जब ये पोटेंशियल जो आपका ये जो पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है, और जिसमें आपका एक गैलोमीटर कनेक्ट किया गया है, तो इस पे पोटेंशियल और इस पर पोटेंशियल VB और VD यदि आपस में बराबर हैं तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जब ये दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों पोटेंशियल आपस में यानी VB और VD, उस केस में IG में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में है। तो अभी तक हमने जो भी निकाला रूल वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है, ये जनरल केस हमने केवीएल रूल अप्लाई करके इसको यहां तक इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को निकाला। लेकिन अब हमें क्या देखना है, जो भी फार्मूला हमें निकालना है उस कंडीशन में इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है, यानी गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, अर्थात तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट उसमें नहीं फ्लो होगा और इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्या हम देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज is said to be balanced
इफ क्या VB इक्वल टू VD, अगर VB और VD क्या है आपस में इक्वल हो है, उस कंडीशन में करंट क्या होगा, करंट IG क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करंट IG जीरो। अब इसी को हम इसमें अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर वन और टू में, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू में IG का वैल्यू अगर हम जीरो कर दें, IG का वैल्यू जीरो कर दें तो हमें बैलेंस कंडीशन मिल जाएगा, और उस कंडीशन में जो भी हमें निकालना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। चले इसमें क्या है, IG का वैल्यू जीरो तो टोटल ए टर्म जीरो, तो फ्रॉम वन से क्या बना माइनस आई वन पी और क्या है प्लस आई टू आर, माइनस आई वन पी प्लस आई टू आर। अब ध्यान से देखेंगे इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, इस टर्म को उधर ले चले जा रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई टू आर। आप ध्यान देखिए, देखते जाइए आई वन पी ये टर्म हो गया जीरो और इसको हम ले चले गए इधर, ट्रांसपोज कर दिया, ये टर्म बन गया इक्वेशन नंबर, इसको हम थ्री मान सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जी तो जीरो हो चुका है, तो मल्टीप्लाई किसमें करेगा आई वन क्यू, इसमें मल्टीप्लाई करेगा आई वन क्यू यानी माइनस आई वन क्यू। यहां देखिए आई जी आई जी जीरो ये टर्म आपका ये भी जीरो हो जाएगा और इधर ये जीरो, तो आई टू यस है, क्या है यस, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो आई टू यस, और इसको हम उधर ले जा रहे हैं ट्रांसपोज कर देंगे तो बचेगा क्या माइनस आई टू यस। आप ध्यान देखिए आई जी जीरो हो चुका है, यस किस में मल्टीप्लाई करेगा आई टू यस बनेगा, प्लस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया, ये तो आपका जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेशन नंबर फोर से डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे तो आप देखें आई वन से कैंसिल, आई टू से कैंसिल, बचेगा क्या P अपान Q इक्वल टू R अपान यस। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस, दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी कि आप देखेंगे चारों रेजिस्टेंस में एक रिलेशन मिला P अपान Q इक्वल टू R अपान यस, यानी कि जब इस IG में यानी IG बराबर जीरो होता है अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, जब VB बराबर VD होता है अर्थात पोटेंशियल दोनों टर्मिनल पे सेम होगा, उस कंडीशन में हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, और उस स्थिति में P अपान Q इक्वल टू R अपान S ऐसा होता है, इसको हम जानते रहेंगे। अगर कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है इस तीनों चारों में तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री रेजिस्टेंस। तो ये तो रहा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको नोट करेंगे।